ने सुधिर कछु नहीं, जिधर भी नजर देखे राम लक्ष्मण सीता, जिधर भी नजर गढ़ा के देखे राम लक्ष्मण सीता, और मैया सती वहीं अपने सर पे हाथ रख के बैठ गई। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया। हृदय कांपने लगा, शरीर कांप उठा मैया के सर पे, पसीना पसीना, कहां जाऊं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया, आंख बंद करके वहीं बैठ गई। आहा महाराज, कुछ देर वहीं बैठी रही। कुछ देर के बाद मैया सती ने नेत्र खोले तो मैया को कुछ दिखाई नहीं दिया, और अब मैया सती उदास मन से बाबा भोलेनाथ के पास आई। मैया सती को बाबा भोलेनाथ बोले, परीक्षा हो गई, कैसी रही? मैया सती बोली, देखो जी, मैं गई तो थी परीक्षा लेने के लिए, पर जैसे ही मैं उनके पास पहुंची तो मुझे विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, और तब मैंने उनको प्रणाम किया और मैं वहां से वापस आ गई। कई बार होता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, इसीलिए पहली बार में ही कन्फेस कर लेना चाहिए कि हाँ, हमने झूठ बोला और हमसे गलती हुई है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं, उसको कवर अप करने के लिए। तो बाबा भोलेनाथ बोले, ये भी सही है। देखो, बाबा भोलेनाथ ने कितना समझाया सती जी को, पहले तो पति की बात नहीं मानी, पर मैया को पति की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि पति ही बोलो कौन है? तो बोल क्यों नहीं रहे आप? माताएं तो हंस रही है कि हमारा पति नहीं, परमेश्वर नहीं है आपका पति है? अरे किस किस के हाथ उठाना, किस किस के पति परमेश्वर है? बहुत बढ़िया, बोलो राधे राधे। तो यहाँ की माताओं की तो आरती उतारनी चाहिए, बाकी ऐसा क्यों दिख, आजकल तो बहुत कम दिखने को मिलता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपका पति आपका परमेश्वर भगवान उसको बनाए रखे, और आप सभी का प्रेम ऐसा ही बना रहे। तो बाबा भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को खूब समझाया, बोली नहीं मैं तो जाऊंगी। अब चली भी गई तो देखो, बाबा भोलेनाथ ने कहा था जा तो रही हो, थोड़ा ढंग से देख के परीक्षा लेना। अब परीक्षा लेने भी गई तो यूं नहीं कि असली रूप में ही परीक्षा ले लेती, जैसी थी वैसी चली जाती, उल्टा सीता जी का रूप और धारण कर लिया। आज बाबा भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद करके वही चरित्र जो सती जी रच करके आई है, वो सब भोले बाबा ने देख लिया। उसी क्षण भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, जातन भेंट सती अब नाही। क्योंकि सती जी अब जगत माता का रूप धारण कर चुकी हैं, और मैं इनको पत्नी दृष्टि से अब नहीं देख सकता। बाबा भोलेनाथ ने उसी क्षण संकल्प करके मैया सती का त्याग कर दिया है। श्री सुखदेव मुनि भगवान कहते हैं कि मैया सती का त्याग हुआ, बाबा भोलेनाथ लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए, और भोले बाबा की समाधि लग जाती है, और लंबे अरसे तक भोले बाबा की समाधि लगी, और भोले बाबा की समाधि ऐसी लगी कि मैया सती का मन विचलित हो उठा, और लगभग 87,000 वर्षों के बाद भोले बाबा की जब समाधि टूटी, उस दौरान मैया सती को पता चल चुका था कि हमारे स्वामी के द्वारा हमारा परित्याग हो चुका है। फिर समाधि टूटने के बाद भोले बाबा मैया सती को नित्य प्रतिदिन छोटी छोटी कथाएं सुनाया करते थे, ताकि सती जी का मन ज्यादा दुखी ना हो। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, एक रोज भोले बाबा मैया सती के साथ में कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तो उस समय मैया ने सुंदर सुंदर विमानों को जाते हुए देखा। मैया सती कहने लगी, महाराज ये सब क्या हो रहा है? सती विलोके व्योम विमाना,
गान को सुन करके ध्वनि को सुन सुन करके ऋषि मुनियों का ध्यान भंग हो रहा है। मैया सती ने पूछा, महाराज ये सब कहाँ जा रहे हैं, जरा मुझे स्पष्टता करके बताइए। तो बोले बाबा, बोले आपके पिताजी ने ना यज्ञ का आयोजन किया है, ये सब उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। मैया पार्वती बोली, भोलेनाथ मैं भी अपने मायके जाऊं। बाबा भोलेनाथ बोले, तुम्हारे मायके से कोई इनविटेशन आया है, कोई निमंत्रण भेजा है किसी ने? बोले नहीं नहीं महाराज, वो तो मेरा मायका है और जरूरी थोड़ा ना कि मायके से निमंत्रण आए तो ही जाऊंगी, मैं तो अपनी मैया से मिलके आऊंगी। और जब बात मायके की हो तो मैया फिर किसी की नहीं सुनती। हाँ, ससुराल में कितना भी प्रेम मिल जाए, कितनी भी महंगी से महंगी चीज मिल जाए, पर मायके से अठन्नी भी मिल जाए ना तो भी मेरे मायके से आई है। हाँ, मैया बोली, देखो जी मैं अपने मायके जाऊंगी। बाबा बोले ना तो बोले, बिना बुलाए आपको अपने मायके मुझे नहीं लगता जाना चाहिए, क्योंकि आप जाओगी तो ना तो कोई मान मर्यादा रहेगी, ना कोई आपको वहां हालचाल पूछेगा, इसलिए रहने दीजिए। तो बाबा भोलेनाथ को बोली कि हमें निमंत्रण क्यों नहीं आया? तो बाबा भोलेनाथ बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा आयोजित की थी, उसमें सभी देवगण बैठे हुए थे, हम भी थे। आपके पिताजी का आगमन हुआ, सब देख करके उनको खड़े हो गए, हमारा ध्यान कहीं और था तो हम बैठे रहे। शायद से उसी बात का बुरा तुम्हारे पिताजी मान गए और हमें कोई निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। बोले कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। तो बाबा भोलेनाथ कहते, सुनिए, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहई नसील सनेहु न कानी। आप बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन मैया सती जब हट करके बैठ गई तो बाबा भोलेनाथ ने अपने एक दो गणों को भेजा और कहा आप जाओ। मैया सती अपने पिताजी के भवन की ओर बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही राजा दक्ष के भवन में पैर रखा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पिता भवन जब गई भवानी, कुशल मंगल कुछ भी नहीं पहुंचा। सागर भले ही मिली एक माता, माता थोड़ा, माता का तो होता ही है, माता ने देखा तो थोड़ा सादर भाव से मिली तो सही, पर पति का डर है कहीं हमें डांटना पड़ जाए। बहने भगिनी मिली बहुत मुस्काता, एक होती है असली हंसी और एक होती है नकली हंसी। अगर आप दिल से हंस रहे होंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे हंसते हंसते, और एक होता है कि हाँ चलो ठीक है, सामने वाले को दिखाने के लिए थोड़ा ऊपर ऊपर से हंस देते हैं। बहने भी आई, थोड़ा मुस्कुराते हुए जल्दी से साइड हो गई, क्योंकि पिताजी का डर है। किसी ने मैया सती का आदर भाव नहीं किया, मैया सती आगे बढ़ी, आगे यज्ञ में देखा कि सबका भाग है पर मेरे पति का भाग नहीं है। अपने अपमान को मैया सती भूल गई, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। जो भक्त अपने भगवान का अपमान होते हुए देखे, अपने भगवान अपने आराध्य के विषय में अगर अपमानित बातें सुने, जो पत्नी अपने पति का अपमान करे, उनको इतना बड़ा पापी बताया है जितना बड़ा एक गौ हत्यारा होता है। हरि हर निंदा
सुनहि जो काना होए पाप को घात समाना। इसलिए मेरी माताओं, कभी भी अपने पति का अपमान भूल कर भी नहीं करें। कोई भी भक्त अपने भगवान के विषय में उलट पलट बातें ना सुने, विद्रोह नहीं कर सकते, तो वहां से उठकर चले जाइए। अगर आप इतने सामर्थ्य नहीं है कि सामने वाले को आप फेस कर सके, तो वहां से उठकर के चले जाइए। कम से कम उस दोष से आप बच जाएंगे। आजकल हमारे हिंदू धर्म के विषय में लोग जो मुंह में आता है बोल देते हैं, हमारे भगवानों के विषय में बोल देते हैं, यहाँ तक कि हम भगवान शिव के ऊपर अगर दूध भी चढ़ाएं तो लोगों को उसमें भी आपत्ति है कि हिंदू धर्म में इतना सारा दूध वेस्ट क्यों करते हैं। अरे हमारे भगवान, हमारा दूध, हमारा पैसा, हम कुछ भी करें। लेकिन हम भी उन्हीं में आ जाते हैं जब हम भगवान की चर्चाएं अपने भगवान को अपमानित होते हुए देखते हैं और हम एक सिंगल वर्ड अपने मुख से नहीं बोलते। इसीलिए आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो वहां से उठ के चले जाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया ने जब अपने पति का अपमान देखा तो मैया अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई, और वही मैया ने नेत्र बंद करके अग्नि देव को आग्रह किया। अग्नि प्रज्वलित हुई और उसी जलती हुई अग्नि में समस्त देवों को साक्षी करके मैया सती ने अपने देह को त्याग दिया है। मैया सती ने देह का त्याग किया। सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गई। सभी राजा दक्ष को बुरा भला कहने लगे। जो गण मैया सती के साथ में आए थे उन्होंने विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। उधर बाबा भोलेनाथ को भी पता लगा। क्रोध में बाबा भोलेनाथ ने जटा उखाड़ी, वीरभद्र प्रगटे। वीरभद्र को बाबा भोलेनाथ ने भेजा। वीरभद्र आए, खूब तहस नहस यज्ञ को किया और अंत में राजा दक्ष के शीश को काट करके यज्ञशाला में डाल दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि यज्ञ धर्म का कार्य है और धर्म का कार्य अगर प्रारंभ किया जाता है तो उसका पूर्ण होना भी अति आवश्यक है। उसको वो बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। जब बाबा भोलेनाथ स्वयं आए हैं और जिस समय मैया सती ने देह का परित्याग किया था, उस समय मैया सती ने केवल एक ही भाव रखा था। मरते वक्त भी मैया सती यही भाव रख रही हैं। सती मरते हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। जन्म जन्म मेरा स्मरण, मेरा अनुराग, मेरा भाव शिव के चरणों में रहे। फिर बाबा भोलेनाथ ने मैया सती के देह को उठाया है और देह को उठाने के बाद जहां जहां मैया सती के अंग प्रत्यंग कट कट के गिरे हैं, वही सिद्ध पीठ बन गए। और जब डिवाइडेशन हुआ था, विभाग हुआ था भारत और पड़ोसी मुल्क का, तो कुछ सिद्ध पीठ पड़ोसी देश में चले गए और फिर विलुप्त हुए। और हमारे भारत देश में जगह जगह वो सिद्ध पीठ हैं जिनमें आपने कामाख्या माता का नाम सुना होगा। तो वहां वहां जहां मैया के अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरे हैं, वहां सिद्ध पीठ बन गए। और आज भी जब आप जाते हो, जगह जगह वो जगह है, वहां दर्शन करते हैं और बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। इस तरह बाबा भोलेनाथ राजा दक्ष को, बाबा भोलेनाथ तो सती जी को लेके चले गए, राजा दक्ष को बकरे का सर लगाया गया और यज्ञ को पूर्ण कराया गया है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। ये भारत देश तो वो देश है जहाँ अपने धर्म को, पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए मैयाओं ने अपने शरीर तक की आहुति दे दी है। और बात केवल पतिव्रत धर्म की नहीं है, बात जब जब भी सनातन संस्कृति के ऊपर आई है, बात जब जब भी अपने
मान सम्मान के ऊपर आई है, बात जब भी इस राष्ट्र के ऊपर आई है, तब तब महिलाएं आगे आई हैं और हर कार्य में उन्होंने अपना योगदान दिया है। लेकिन आज कलयुग के समय में बेटियों को बहुत जगह पर पैदा ही नहीं होने देते हैं, और जिसको कहते हैं भ्रूण हत्या, पहले ही गर्भ में चेकअप करा लेते हैं डॉक्टर के मिलके, और पहले ही दिखवा देते हैं अगर बेटा होता है तो ठीक, बेटी होती है तो गर्भ में ही नष्ट करवा देते हैं। और जब उस गर्भ को नष्ट कराया जाता है ना, तो उस समय कैंची से छोटे छोटे उसके टुकड़े किए जाते हैं, हाथों को अलग काटा जाता है, पैरों को अलग काटा जाता है। और ये कौन करा रहा है? ये आज एक इंसान एक इंसान को मार रहा है। अगर कुछ नहीं कर सकते, जैसे बेटे के सपने होते ना, और आप सभी की उम्मीदें बेटे से होती हैं, वैसे ही बेटी के भी सपने होते हैं। और बेटी वो उड़ान भर सकती है जो बेटा भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है आज बेटियां कर रही हैं। आप एक बार बेटियों को उड़ने तो दीजिए, उनको उनके पंखों को जरा फैलने तो दीजिए। बेटी कहती है कि माँ मुझे एक बार गर्भ से बाहर आने तो दे। अरे जो तू बेटे को सुख संपत्तियां दे रही है, मुझे वो सुख नहीं चाहिए। बस माँ इतना करना, माँ मुझे प्यार ना देना, दुलार ना देना, लेकिन जन्म होने से पहले मुझे मार ना देना। मैं भी संसार को देखना चाहती हूँ। अगर बेटियां ना हो, हाँ, अगर बेटियां ना हो तो आप भाई लोग किससे राखी बनवाएंगे? रक्षाबंधन के दिन हर भाई बैठा रहता है, जिनकी बहनों की शादी हो गई है, मेरी बहन आएगी, मेरे हाथ में राखी बांधेगी, मेरी लंबी आयु की कामना करेगी। अरे जब बेटियां ना होंगी तो ये रिश्ते नाते निभाने वाला कौन होगा, बताओ जरा? हाँ, बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहाँ से आएंगी, बेटियां नहीं आएंगी तो माँ जैसा दुलार कहाँ से मिलेगा। इसीलिए जरूरी है कि अगर सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो बेटियों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अपनी बेटियों को, जिनके भी घर में बेटियां हैं, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो। बेटे से उम्मीद है ना, बेटी से भी करके देखो, वो जरूर आपकी उम्मीदों को पूरा करेगी। लेकिन करेगी तब ना जब उसको संसार में आने दिया जाएगा। आज बहुत सारी जगह लोग कहते हैं कि बराबरी है बेटे में और बेटी में, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती। आज भी अगर आपके घर में बेटा है तो खाना बनाने के लिए आप बेटे से नहीं कहोगे कि चल तू खाना बना, किसको बोलोगे? बेटी को। क्योंकि हम सब ने धारणा बना ली कि इसको अगले घर में जाना है और इसको सब चीज आनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन आपके बेटे के लिए भी एक लड़की आने वाली है, उसकी भी जिम्मेदारियां बनती है कि उसको भी आना चाहिए। अगर बात बराबर की है तो आना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये बातें सिर्फ कहने में और सुनने में है, अभी हमारे समाज में ये बातें नहीं है। तो जहां तक आप कर सकते हैं वहां तक करिए और बेटियों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि कहा है इस देश के अंदर एक ऐसी बेटी हुई, बेटियां ही अगर आप जब नव दुर्गा पूजा करते हो, नव दुर्गा में भी तो आप बेटियों की ही पूजा करते हो, नौ दिन के बाद कन्या जिमाने के लिए बेटियों को ढूंढते हो, हा? और उसी बेटी को गर्भ में मार देते हो। यानी कहने का मतलब है सरस्वती लक्ष्मी देवी दुर्गा कहने को अवतार है बेटी, जीवन का हर बाग बगीचा करती तो गुलजार है बेटी, घर गली सड़क मोहल्ले और सजाती घर द्वार है बेटी, जीवन की डूबती मैया को खेवन हार है बेटी। इसीलिए बेटियों को खूब सारा प्यार दो। इस देश में आपने नाम सुना होगा, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इस देश की आजादी के लिए जहां हजारों बेटे अपनी जान दे रहे थे, वहीं एक वीरांगना छत्राणी मर्दानी अपने छोटे से बेटे को पीठ से बांध करके, घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके, हाथ में तलवार, दोनों हाथों में तलवार लेकर के अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। हाँ, वो भी तो बेटी थी।
और किसी ने बड़ा सुंदर बोला है, अरे सिंहासन ही लोटे वीर वंशों ने भ्रकुटी तानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत जिसने पहचानी थी, सुनी हुई सन 57 की वो अनमोल कहानी थी, यहाँ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। हाँ, वो भी तो बेटियां थी, इसलिए अपनी बेटियों को ना खूब आगे बढ़ो। बेटी है तो जहाँ है, बेटी है रिश्ते हैं, बेटी है तो कायनात है, और बेटी जहाँ होती है वहाँ कहते ना बेटे जिनके घर में होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। बेटे जिनके घर में होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, पर बेटियां जिनके घर में होती है वो सौभाग्यशाली होते हैं। बेटियों को खूब आगे बढ़ाओ। इसी देश के अंदर एक बेटी हुई है जिसने अपने स्वामी को बचाने के लिए देवताओं तक से पंगा ले लिया था, और एक बड़ा सुंदर भाव आता है। एक मैया जिसके पति चलने में असमर्थ थे, पैरों से चल नहीं पाते थे, उस देवी का विवाह हो गया। विवाह हुआ तो पति की इच्छा हुई कि मैं भ्रमण करने के लिए जाऊं। पति को अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल में भ्रमण कराने के लिए ले गई। अब जंगल में चलती जा रही है, सामने एक महाराज बैठे हुए थे, कमंडल पास में रखा हुआ था और नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे। अब वो मैया जब अपने पति को लेकर के जा रही थी, ध्यान थोड़ा इधर उधर भटका और मैया का पैर कमंडल में लग गया और वो गिर गया। अब जैसे ही कमंडल गिरा, महाराज के नेत्र खुले, महाराज श्राप देने लगे। बोले जिस पति के प्रेम में आकर के तूने मेरे कमंडल में ठोकर मारी, जा सुबह होते होते वही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये पति व्रता धर्म की ताकत देखिए।